दूरदर्शन की रामायण और महाभारत जैसे टीवी शोज की आज भी चर्चा होती है। यह धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य पर आधारित है। इन शोज में काम करने वाली कलाकार आज भी पॉपुलर हैं और उनकी तारीफें होती हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस है जिन्हें शायद अब सब भूल चुके हैं। इस एक्ट्रेस ने साल 1988 में ऑन एयर हुए एपिक टीवी शो महाभारत में रुक्मणी का किरदार निभाया था। दूरदर्शन की महाभारत में रुक्मणी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नाम चन्ना रूपर रेल है। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं। चन्ना ने अपने कैरियर में कई हिट टीवी शो दिए। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया लेकिन वह इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गईं। चन्ना रूपा रेल ने साल 1987 में दूरदर्शन पर आए टीवी शो चुनौती से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। चन्ना ने बतौर मॉडल अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। चन्ना रूपा रेल ने चुनौती के बाद साल 1988 में आए महाभारत में रुक्मणी का किरदार निभाया। रुक्मणी के किरदार में उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। महाभारत जैसे सुपरहिट शो देने के बाद भी चन्ना रूपा रेल अचानक कहीं गायब हो गईं। सालों तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। साल 1994 में उन्होंने टीवी सीरियल स्वाभिमान से कमबैक किया। स्वाभिमान में चन्ना रूपा रेल ने मेघा हेगड़े का किरदार निभाया और घर घर में पहचानी जाने लगी। इस दौरान वह अपनी नीली आंखों की वजह से भी चर्चा में रही। आज भी लोग उनके मेघा के किरदार को याद करते हैं। स्वाभिमान के बाद चन्ना रूपा रेल ने कई फिल्मों में भी काम किया लेकिन वह इंडस्ट्री से अचानक ही गायब हो गई। अगर वह इंडस्ट्री में टिकी रहती तो आज एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर उनकी गिनती होती। चन्ना रूपा रेल बहुत ही धार्मिक महिला रही हैं। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। वह आध्यात्मिकता में विश्वास करती हैं। वह अब 52 साल की हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लेकिन एक्टिंग से दूर हैं।